आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। नमस्कार, आदाब। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कहानी साइकिल की सवारी, और इसे लिखा है प्रोग्रेसिव विचारधारा के शानदार राइटर सुदर्शन साहब ने। चलिए शुरू करते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूं, तब मुझे अपने ऊपर कैसा अफसोस होता है। सोचता हूं कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से वक्त बचता है, दूसरे से वक्त कटता है। लेकिन तमाशा देखिए, हमारी किस्मत में कलयुग की ये दोनों कलाएं लिखी ही नहीं गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजाई बजा सकते हैं। पता नहीं कब से ये बात मेरे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत ये हुई कि हमारे बेटे ने चुपचाप साइकिल चलाना सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर शान से और कभी कभी इतराते हुए निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि शर्म और जलन के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, बेवकूफ और गंवार तक चलाते हैं। हम तो ऊपर वाले की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला पाएंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? बस ऐसे कूद के चढ़ गए और ताबड़तोड़ पैर मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन 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 करके घंटी बजा दी। हटा तो ठीक, और नहीं हटा तो गुस्साई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा मामला इस लोहे की सवारी का, कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे। बस महाराज, हमने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे ही दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ हैरानी की नजर से देखा और कहा, अरे ये कहां से उठा लाए? इन कपड़ों में अब जान ही कहां रह गई है कि मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिया था मैंने, वहीं जाकर डाला वापस। हमने मुस्कुराकर मैडम की तरफ देखा और कहा, अब मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं तो कुछ सोच कर ही लाया होगा, ऐसे तो नहीं उठा लाया होगा। अब मेहरबानी करके इसकी मरम्मत कर डालो बस। वो बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते तो यही थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके माहिर हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का फैसला करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और ऐंठ कर उनसे कहें, तुम लोग चलो जरा, हम दूसरे तांगे में आते हैं। और जब वो चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिल जाएं। आए हाय, हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान रह जाएंगे। अरे आंखें मलमल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं है। लेकिन हम गर्दन दूसरी तरफ करके ऐसे इतरा के निकल जाएंगे जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, और ये तो बहुत ही मामूली बात है हमारे लिए। पर ऐसा हो ना सका, मैडम तो पीछे ही पड़ गई, ये औरतों का भी ना। खैर तो बताना पड़ा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम बहुत शौक से सीख रहे हैं। हमने उनको ऐसे बताया कि जैसे लगे कि बहुत संजीदा जरूरत है। हमने कहा कि हाँ भाई, वो किराया बहुत बढ़ गया है, अब रोज रोज तांगे का खर्च करना जेब फट जाती है, सोचता हूँ कि साइकिल ही चलाना सीख लूँ, कुछ पैसे बचेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो भाई उम्मीद नहीं है कि ये बेल आपके मत्थे चढ़ सकेगा। खैर कोशिश करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, अरे क्या बनेगा मतलब? अरे आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे कि नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे कि नहीं? अब जो बेवकूफ हैं वो नए कपड़ों का नुकसान करते हैं, और जो मेरी तरह समझदार लोग हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। लगा तो यही था कि हमारी इस बात का कोई जवाब हमारी मैडम के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर मरहम का डिब्बा भी खरीद लिया ताकि चोट लगते उसी समय इलाज हो सके। इसके बाद हमने जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी की प्रैक्टिस की जा सके। पर अब आया इसका सबसे बड़ा सवाल, और वो ये था कि अपना उस्ताद किसे बनाए।
इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण साहब आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक एक बाजी शतरंज की। हमने सर हिलाकर कहा, नहीं साहब, आज तो मन नहीं है। क्यों? मैं नाराज हो गया। अरे क्यों का क्या मतलब है तिवारी जी, अब किसी का दिल नहीं है तो नहीं है, क्या किया जाए। तिवारी जी ने फौरन मेरी तरफ देखा और मेरे पास आकर बैठ के बोले, अरे भाई मामला क्या है, भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लव साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई दे रहा जो हमारी मदद करे। बताओ ऐसा है कोई आदमी तुम्हारे ख्याल में, जानते हो किसी को? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वो खाली हाथ रह जाएंगे। दोस्त की तरक्की आखिर किसको बर्दाश्त होती है। जलकुकड़े अंदाज में बोले, भाई देखो फैसला तो तुम्हारा है, लेकिन मेरी मानो तो ये रोग ना पालो। इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे और ये भी कोई सवारियों की कोई सवारी है, हैं कि डंडे पर ऐसे उकड़ू बैठ गए और पांव चल रहे हैं, हमें लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलते। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, साफ समझ गए कि तिवारी जलन की आग में फूका जा रहा है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी देखो हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तिवारी भी समझ गए कि अभी मानेगा नहीं, बोले, आदमी तो है ऐसा एक, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में सिखाएगा। और फीस क्या लेगा? भाई औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी वजह से। हमने सोचा कि 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा, मतलब 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, मतलब 2 रुपए रोजाना, यानी 60 रुपए महीना, और वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए तो महीने के खड़े हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो कहा कि भाई जाओ जाकर मामला फौरन तय करा, मगर जी में हम ये खुश होते रहे कि साइकिल चलाना सीख गए तो ट्रेनिंग स्कूल खोल लेंगे और 300-400 रुपए महीने के पीटने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये खुशखबरी जाकर पत्नी जी को सुना दी कि कुछ दिनों में हम लोग एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। वो बोली, ए जाओ, इतनी उम्र हो गई मगर ओछापन नहीं गया तुम्हारा, लबर लबर करने लगते हो, पहले खुद तो सीख लो फिर स्कूल खोलना, मुझे तो लगता है तुम सीख ही नहीं पाओगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़कर कहा, ये बड़ी बुरी बात है तुम्हारी, हर काम में टोक देती हो। अरे हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख पाएंगे? हाँ? अब पहले तो शायद ना भी सीखते, लेकिन अब तुमने टोका है तो हम जरूर सीखेंगे, बस अब तुम देखती जाओ। श्रीमती जी बोली, अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, ये साइकिल क्या चीज है, मगर तुमको भी मैं जानती हूँ, देखना एक बार गिरोगे तो वहीं साइकिल वाइकिल फेंक फाक कर चले आओगे सब। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी, हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ स्टूडेंट की तरह बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, तो यही है जो है, मतलब ये तो 20 पर मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे मगर, हाँ कहते हैं कि बाद में कोई देता नहीं है। अरे भाई हम देंगे, मैंने कहा, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमी अभी जिंदा हैं, ये बस चलाना सिखा दे, फिर देखिए हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले, फीस तो भाई पहले लेंगे। हमने कहा, और अगर आपने नहीं सिखाया तो? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और अगर नहीं लौटाया तो? इस पर तिवारी जी ने कहा थोड़ी आवाज भारी करके, अरे तो क्या ये तिवारी मर गया है? उस्ताद की तरफ देखकर बोले, शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद करवा दूंगा, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? तो जब हमें यकीन हो गया कि इनमें से कोई भी हमें धोखा नहीं दे रहा है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा कि उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे, इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हमने, और हाँ हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली हमने, आप सवेरे ही चले आइएगा तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात तो कहना हम भूल ही गए, अरे नंगे पाव भागे, और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वो हैरान थे, हमने हफ्ते हफ्ते कहा, उस्ताद हम वहाँ शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है ना, वहाँ वहाँ सीखेंगे, वहाँ असल में दो फायदे हैं, एक तो मिट्टी नरम है, चोट कम लगती है, और दूसरा वहाँ कोई देखता नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है।
अब रात को आराम की नींद कहां। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार तो हमने सपना देखा कि हम गिरकर जख्मी हो गए। साइकिल अपने आप हवा में चली जा रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब आंख खुली तो देखा कि दिन निकल आया है। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की तरफ चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि लीजिए साहब, एक बिल्ली रास्ता काट गई। और थोड़ा आगे बढ़े तो एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें कि हमें कितना गुस्सा आया उस नामुराद बिल्ली पर भी और उस शैतान लड़के पर भी, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। अब हम हैरान की बात क्या है, अचानक हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए साहब। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए और इस तरह हमारा पहला दिन तो मुफ्त में गुजर गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे करके जांच करनी शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर थोड़ा पैदल चलने लगे। मगर दो ही कदम चले होंगे कि ऐसा लगा कि जैसे साइकिल हमारे सीने पे चढ़ी आ रही है। अरे इस समय हमारे सामने बहुत गंभीर सवाल था कि क्या करें, जंग में डटे रहें कि हट जाएं। काफी सोच विचार के बाद यही फैसला हुआ कि ये लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। अरे बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही पल साइकिल पूरे जोर से हमारे पैर पर गिर गई। आए हाय, और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद बेचारे लस्सी छोड़कर दौड़ते हुए आए। कुछ और नेक दिल लोग भी थे, वो भी जमा हो गए। एक ने हमारा पैर साइकिल के नीचे से निकाला, दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और पूछा, अरे चोट तो नहीं लगी साहब, हाँ जरा दो चार कदम चलिए नहीं तो खून जम जाएगा, उठिए। तो इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, और क्या मजाल की जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए। लेकिन हाँ, अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई अगर नेक दिल आदमी सहारा देकर चढ़ा देता था तो लिए चले जाते थे और हमारे मौज की कोई इंतहा नहीं होती थी। अरे लगता था जैसे मैदान मार लिया हमने। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे ऐसा लगता था, और इसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल, उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज, फिर 200-400 रुपए महीना। अरे मजे ही मजे थे। तिवारी जी देखेंगे तो और जल भुन जाएंगे। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ बेटा, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चलाते जाते और दिल ही दिल में फूले नहीं समा रहे थे। मगर हाल ये था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, अरे साहब, अरे बाईं तरफ हट जाइए, ए हटिए। और दूसरे फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारी जान सूख जाती। उस वक्त हमारे मन का जो हाल होता था वो या तो ऊपर वाला जानता है या मैं। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। एक दिन अचानक सामने से हमको तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया, ए तिवारी जी, अरे बाईं तरफ हो जाओ, अरे हट जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, अरे जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे इस वक्त बात सुन सकते हैं हम, देखते नहीं साइकिल पे सवार हैं। अजीब पागल हो क्या, जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। अरे बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने हैंडल दाएं बाएं संभालते हुए लड़खड़ाती हुई साइकिल से जवाब दिया, उतर जाएंगे तो चढ़ाएगा कौन, अभी हमने चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा है। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। मगर ये हुआ ही था साहब के सामने से एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और तब हम चीखे,
बाई तरफ, अरे अरे अभी नहीं चलाने वाले हैं, इधर से। अरे तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, लेकिन तभी पता नहीं कैसे घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी या जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए थे। जरा सा हैंडल अगर हम घुमा देते तो हम दूसरी तरफ आराम से निकल जाते, मगर जब बुरा वक्त आता है तो दिमाग सबसे पहले फिर जाता है। हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और जिस्म पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है, हैं? मैंने तो पहले ही कहा था साइकिल चलाना ना सीखो, तब तो किसी के सुनी नहीं रहते तुम। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और साफ बच जाएं। सूजे हुए मुंह से कहा, ये सब तिवारी जी की शरारत है। हम आराम से साइकिल चला रहे थे कि आए और यूं यूं करके ऐसे धक्का दे दिया। अरे वो तो कहो हमने संभाल लिया, अपने ही लगी चोट, वरना सामने किसी और के हाथ पैर टूट जाते। हैं ये तिवारी भी ना। अरे जाओ, पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, ये चकमा तो तुम किसी और को दो जो तुम्हें जानता ना हो। एक बात बताएं, तुम और तुम्हारी साइकिल जिस तांगे के नीचे पड़े थे ना, उस तांगे पर मैं ही बैठी थी। मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर की सैर हो जाएगी और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बेइज्जती। हमने बेइज्जती का घूंट पीकर आंखें बंद कर ली और वो दिन है और आज का दिन, फिर कभी हमने साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। तो ये थी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप मुझे Spotify या Apple Podcast या Google Podcast पर सुन रहे हैं तो शो रेटिंग जरूर दीजिए, इससे ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। आप चाहें तो वहीं पर शो के बारे में कुछ रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। अगले इतवार फिर होगी आपसे मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।